किवें सफर किवें रही है? चलो सामान रखूंगा। कर रहे भाई से देखेंगे। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मोहम्मद नासिर, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नासिर व्लॉग। अल्लाह के फजल व करम से शुरू करते हैं जी आज का मज़ेदार सा व्लॉग। और आप लोग जानते ही हैं कि मैं जुमे वाले दिन से घर आया हूं, आज सोमवार का दिन है और मेरे भाई आ रहे हैं अभी मुल्तान से। वो फ्लाइट उनकी अभी उतरने वाली है मुल्तान में, तो हम लोग यहाँ से निकलने लगे हैं मुल्तान उन्हें लेने के लिए। तो चलते हैं यहाँ से सीधा मुल्तान। और इस वक्त सुबह 7:30 का टाइम है और हम लोगों ने नाश्ता कर लिया और सूरज यहाँ पे निकल आया, क्योंकि मैं इस वक्त मेलसी सिटी में हूँ, वहाँ अपने गांव में नहीं हूँ, मेलसी सिटी में हूँ। तो यहाँ इतनी धुंध नहीं है, ठंड भी नहीं है, और वहाँ हमारे गाँव में मतलब बहुत ज़्यादा ठंड है, यहाँ मेलसी सिटी में इतनी नहीं है। और देखें कोई इतनी धुंध नहीं है, तो चलते हैं सीधा मुल्तान। तो फाइनली जी हम लोग रेडी हो गए हैं मुल्तान जाने के लिए। ये मामू गाड़ी बाहर निकाल रहे हैं और ये हैं जी इशफाक भाई, इनकी शादी हो रही है। इशफाक भाई शादी की बहुत बहुत मुबारक हो। इनकी शादी हो रही है और इन्हें भी साथ मुल्तान लेके जा रहे हैं, इन्हें कुछ शॉपिंग करनी है तो इसलिए इन्हें भी साथ लेके जा रहे हैं। इसके अलावा ये मेरे दो भांजे हैं, ये भी साथ जा रहे हैं, और ये हमारी गाड़ी। फाइनली मुल्तान के लिए हम लोग निकल चुके हैं और इंशाल्लाह 2 घंटे में मुल्तान पहुंच जाएंगे एयरपोर्ट पे। पीछे दूल्हा साहब बैठे हैं। सिटी के अंदर दाखिल हो गए, इसे बिहाड़ी चौक आ जाता है मुल्तान। यहाँ असल जो मतलब के हैं दुकान वगैरह वो हैं कि बस वगैरह के अड्डे हैं, यहाँ से हर सिटी के लिए बसें निकलती हैं। और पूरे मुल्तान के तकरीबन इसी चौक में ज़्यादा रश होता है ट्रैफिक का पूरे मुल्तान में। ₹2,060 अगेन ₹2,060। और वो सामने आ गया जी एयरपोर्ट और यहाँ पे पाक फौज गाड़ियों की चेकिंग वगैरह कर रही है, आईडी कार्ड वगैरह देख रहे हैं। सवारी है सर, फैमिली है? ये फैमिली है, भाई को लेने जा। एयरपोर्ट का बाहर मेन गेट है और हम लोग जरा लेट पहुंचे और भाई पहले ही बाहर आ गए हैं, हम लोग जरा लेट पहुंचे हैं और वो सामान वगैरह लेके बाहर आ गए हैं। हम लोग जरा लेट पहुंचे हैं।
ਕਿਵੇਂ ਸਫ਼ਰ ਕਿਵੇਂ ਰਹੀ ਹੈ? ਚਲੋ ਸਮਾਨ ਰੱਖੂਗਾ। ਜੀ ਹੈ ਜੀ ਮੁਲਤਾਨ ਕੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਫਾਈਨਲੀ ਏਅਰਪੋਰਟ ਸੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਹੈ ਉਸਮਾਨ ਭਾਈ ਕੋ ਰਿਸੀਵ ਕਰਕੇ ਔਰ ਅਬ ਆਏ ਹੈ ਗੁਰਜਾਨ ਵਾਲੋ ਕੇ ਪਾਸ ਦੁਲੇ ਭਾਈ ਕਾ ਸ਼ੂਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਲੈਣਾ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਦੁਲੇ ਭਾਈ ਕਾ ਚੱਲ ਕੇ ਨਾ ਸ਼ੂਜ਼ ਲੈਤੇ ਹੈ। ਚਲੋ ਬਾਈ ਪਸੰਦ ਕਰੋ ਪਸੰਦ ਕਰ ਬਈ ਕੌਣ ਸਾ ਲੈਣਾ ਕਿਤਨਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਬਾਰਾਂ ਹਜ਼ਾਰ ਕਾ ਨਾ ਕਰ ਬਾਰਾਂ ਹਜ਼ਾਰ ਕਾ ਸ਼ੂਜ਼ ਯਹਾਂ ਸੇ ਇਨਕੇ ਲਈ ਲੈਣੇ ਲਗੇ ਉਨ ਦੋਨੋਂ ਕੇ ਲਈ ਤੇਰੇ ਸਾਈਜ਼ ਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦਸ ਫੀਟ ਤੂੰ ਛੁੱਟੀ ਕਰ ਤੂੰ ਹੀ ਮੌਜ ਮਾਰ ਤੂੰ ਵੀ ਇਹ ਹੀ ਪਹਿਨ ਦੇਗਾ ਨੰਬਰ ਦੇਖੋ ਠੀਕ ਹੈ ਇਸਮੇ ਕੋਈ ਔਰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦਿਖਾਏ ਇਸੀ ਮੇਂ ਔਰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦਿਖਾ ਦੇ ਬਲੈਕ ਮੇਂ ਔਰ ਵਾਈਟ ਦੋਨੋਂ ਮੇਂ ਦਿਖਾ ਦੇ ਬਾਰਾਂ ਹਜ਼ਾਰ ਘੱਟ ਕੇ ਲੱਗ ਗਏ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਲੈ ਕੇ ਆ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਬਾਰਾਂ ਹਜ਼ਾਰ ਕਾ ਦੁਲੇ ਭਾਈ ਕੋ ਟੀਕਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਇਹ ਸ਼ੂਜ਼ ਫਾਈਨਲੀ ਕੀ ਹੈ ਅੱਛਾ ਦੇ ਗਈ ਸਹੀ ਚੱਲ ਗਈ ਬਾਰਾਂ ਹਜ਼ਾਰ ਕੀ ਗਿਆ 23 30 ਰੁਪਏ ਭਾਈ ਲੋਕ ਉਧਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਸ਼ੋਪਿੰਗ ਸਟਾਈਲੋ ਵਾਲੋ ਕੇ ਪਾਸ ਔਰ ਮੈਂ ਆਇਆ ਹੂੰ ਮੈਂ ਗਾੜੀ ਫਿਰ ਵਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਚਲਤਾ ਹੂੰ ਇਨਕੇ ਪਾਸ ਮੈਂ ਗਾੜੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਲੂੰ ਗਾੜੀ ਹੋ ਗਈ ਸਟਾਰਟ ਅਬ ਹਮ ਲੋਕ ਆਏ ਹੈਂ ਦੁਲਹਾ ਭਾਈ ਕੀ ਵੇਸ ਕੋਟ ਦੇਖਣੇ ਕੇ ਲਈ ਔਰ ਯੇ ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨੇ ਕੇ ਲਈ ਪਹਿਨੀ ਇੱਧਰ ਦੇਖੀ ਇੱਧਰ ਦੇਖ ਲੱਗ ਤੋ ਸਹੀ ਰਹਾ ਤੁਝੇ ਔਰ ਟੀਕਾ ਵੀ ਅਭੀ ਲਗਨੇ ਲਗਾ ਦੂਸਰਾ ਹਾਂ ਸਹੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਸਹੀ ਲੱਗਦਾ ਪੀ ਆਈਓ ਲੈ 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 ਭਾਈ ਕੋ ਇੱਕ ਔਰ ਟੀਕਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜੀ ਕਿਤਨੇ ਕਾ ਟੀਕਾ ਲੱਗਾ ਜੀ 3250 3250 ਸਮਾਈਲ 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 ਰੱਖ ਦੁਲਹਾ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਬ੍ਰਾਂਡ ਸੇ ਸ਼ੋਪਿੰਗ ਕਰੂੰਗਾ ਕਰ ਲਈ ਬ੍ਰਾਂਡ ਸੇ ਸ਼ੋਪਿੰਗ ਕਾਲੇ ਕਾਲੇ ਸ਼ੋਪਿੰਗ ਪਤਾ ਆਪ ਜਬ ਟੀਕੇ ਲਗੇ ਨੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਕੇ ਤੋ ਇਹ ਨਕਲੀ ਮੁਸਕਾਨ ਹੈ ਤੇਰੇ ਚਿਹਰੇ ਪੇ ਅਸਲੀ 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 ਮੁਝੇ ਤੋ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ ਅਸਲੀ ਅਸਲੀ ਨਹੀਂ ਮੁਝੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ ਬ੍ਰਾਂਡ ਕੀ ਸ਼ੋਪਿੰਗ ਕਰਨੇ ਆਇਆ ਥਾ अब जब टीके लगे हैं तो परेशान बैठा हुआ है भाई परेशान ना हो तेरी कल शादी है नहीं नहीं भाई परेशान नहीं है टेंशन की बात है टेंशन लेनी भी नहीं चाहिए कल तेरी शादी है तू
खा पी अयाशी कर अयाशी मार। तो फाइनली जी हम लोग घर के बाहर घर पहुंचे हैं। कहाँ पहुंचे हैं? अहमदाबाद कॉलोनी। घर पहुंच आए थे दोपहर को, अब रात का टाइम है और अंदर हमारे घर मेहंदी का फंक्शन चल रहा है। भाई से देखें बिल्कुल फुल शादी वाला माहौल, दूल्हा भाई अंदर बैठे हुए हैं, चल के उसको भी दिखाते हैं। काफ़ी टाइम हो गया और फंक्शन एंड हो गया। कैसर साहब चेयर्स वगैरह समेट रहे हैं और अंदर की डेकोरेशन देख लें, हमारे घर की माशाल्लाह से बहुत प्यारी हुई है। तो अब जी मैं आप लोगों को दूल्हे भाई का कमरा दिखाने लगा हूँ किस तरह का है, तो रेडी हो जाएं। 1 2 3 माशाल्लाह से ये देखें जी, ये है मेरे दूल्हे भाई का कमरा, ये बेड साथ में, ये सोफे वगैरह, ये सारा कुछ मेरे दूल्हे भाई इसका है। दूल्हे भाई बहुत बहुत मुबारक हो मेहंदी रात के। हाँ बस अब ये देखें हमारी सोने की तैयारी हो गई है, फंक्शन ख़त्म हो गया, काफ़ी टाइम हो गया। अब तो हमारा आज का व्लॉग हुआ यहीं पे मुकम्मल, मिलेंगे कल वाले व्लॉग में, बारात वाले व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिएगा।